हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 बेटा हमारा एसएसटी सीबिक्स में चैप्टर 10 है। इसका पार्ट 1 वीडियो हम बना चुके हैं, पार्ट 2 है। चैप्टर नेम क्या था? कानून और सामाजिक न्याय। भाई कानून वगैरह और सामाजिक न्याय क्यों है ना, क्या क्या जरूरत है, क्यों है कि हमने ना इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट में भोपाल में जो वहाँ विनाश हुआ था ना, है ना, इसके बारे में पढ़ा था। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि एक मजदूर की कीमत क्या होती है ना। ये है कि इसमें अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजह को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। भाई सबसे पहले हमें रीजन जानना पड़ेगा कि उन्होंने अपना कारखाना यहाँ पर ही क्यों खोला। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण, यहाँ पर मेन कारण क्या होता है कि यहाँ पर क्या मिलता है, सस्ता श्रम। यहाँ पर जो मज़दूर वगैरह मिल जाते हैं वो क्या मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, यानी कम कीमत पर, है ना, मिल जाते हैं। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहां के मजदूरों को क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा वेतन, ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती है बल्कि यहां के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। दो रीजन थे, पहला क्या बताया कि भाई उन्हें क्या कम कीमत पर मजदूर मिल जाएंगे, कम वेतन देना पड़ेगा, प्लस उनसे कम कीमत पर ज़्यादा देर तक काम करवा सकते हैं, बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक काम भी कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी चीज़ें, दूसरी चीज़ों पर भी खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। भाई लोगों को रहने के लिए भाई घर वगैरह हैं या उनकी दूसरी जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर भी ज़्यादा उन्हें खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह ये कंपनी यहाँ क्या करती है, कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है। भाई उन्हें कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो इसलिए क्या करती हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने वो फैक्ट्री यहाँ पर लगाई थी। साइड में पिक्चर शो की गई है, यहाँ पर बिल्डिंग दिखाई गई है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जो निर्माण स्थल यहाँ पर जहाँ पर भी कहीं भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कार्य चलता है वहाँ पर एक नॉर्मल है ना दुर्घटना वगैरह होती है, आम बात है। इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों और अन्य सावधानियों को अक्सर क्या कहता है, नज़रअंदाज अनदेखा कर दिया जाता है। लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर क्या करती है, अनदेखी वे करते हैं। वो कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि भाई किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें लागत वगैरह में क्या करते हैं, भाई लागत में यानी कि कम पैसे लगा के क्या करते हैं, कम पैसे लगाते हैं, उसके क्या कहते हैं बहुत सारे क्या खतरनाक, है ना, परिणाम भी निकल सकते हैं। फिर वो क्या करते हैं, सुरक्षा के उपायों क्या करते हैं, अनदेखा भी कर देते हैं। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या कम थी। मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं, जो सुरक्षा उपकरण थे या तो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे और जो थे वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। 1980 से 1984 के बीच मिक संयंत्र के कामगारों के तल की संख्या 12 से घटकर कितनी हो चुकी थी, 6 की जा चुकी थी। कि वहाँ पे जो मिक्स संयंत्र थे, जो कामगार थे, है ना, उनकी संख्या 12 से घटाकर 6 कर दी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। मिक कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के फर्क जानने के लिए नीचे पड़े। बस इसके बारे में क्या बता रहे हैं, पश्चिमी वर्जीनिया यानी कि अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। मतलब वहाँ पर क्या थी, जो कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी की व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। मतलब वहाँ पर क्या था कि भाई जो मजदूर वगैरह थे वो वर्क करते थे, क्या करते थे, अंदाजे से, है ना, कार्य करते थे, उसके ही वो डिपेंड थे। पश्चिमी वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं कि भाई कहाँ के एग्जाम के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि वर्जीनिया प्लेस से बात करें, अगर सपोज करो वहाँ पर क्या है कि भाई उन्हें कुछ लग रहा है कि भाई मजदूरों के लिए खतरे की परिस्थिति, है ना, सिचुएशन पैदा हो रही है, तो उनको कहाँ पर सुरक्षित स्थान पर ले जाए जाने की व्यवस्था होती थी, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था भोपाल में नहीं थी। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों हैं और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जाता है। वो कहते हैं कि हर अलग अलग देशों में भाई सुरक्षा में इस तरह के इतने ज़्यादा अंतर क्यों देखने को मिलते हैं, और भाई फिर सपोज कोई दुर्घटना हो जाए तो उनको मुआवजे के रूप में, है ना, बहुत कम, है ना, मुआवजा बहुत कम क्यों दिया जाता है। इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता है। एक मजदूर जाता है और फौरन उसकी जगह पर क्या होता है कि दूसरा मजदूर मिल जाता है। मतलब उन लोगों का क्या मानना है कि यहाँ के जो मजदूर हैं उनकी वो ज़्यादा वो मतलब वैल्यू नहीं मानते हैं, मूल्य नहीं मानते, कहते हैं एक चला जाएगा उसके बदले में क्या होता है, दूसरा मिल जाएगा।
हमारे यहाँ पर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी क्या करते हैं, काम करने को तैयार हो जाते हैं। भाई ज़्यादा बेरोजगारी के कारण भी लोग क्या करते हैं, कम मजदूरी पर प्लस जहाँ पर उनकी सुरक्षा बहुत कम होती है ना, ऐसे प्लेस पर भी काम करने के लिए वो क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से क्या होता है, बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज़ क्या होती है, आती ही रहती है। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन, भाई सुरक्षा के जो कानून वगैरह हैं ना, कैसे बनाए गए हैं वो चीज़ बता रहे हैं। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। भाई कानून बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी एक संस्था को सौंपी गई है कि गवर्नमेंट को उनसे सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू किया गया या नहीं है। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। सरकार को किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अनुच्छेद 21 में जो जीवन है ना के अधिकार का उल्लंघन न हो, हर व्यक्ति को उसके जीवन के अनुसार है ना कुछ अधिकार दिए गए उनका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी। पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून कैसे हैं, ढीले हैं, और दूसरा उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है कि मतलब यहाँ पर जो कानून वगैरह की जो है ना व्यवस्था है जो लागू है वो क्या होता है, बहुत ही ढीला ढाला है ना, स्ट्रिक्टली उसको रूल फॉलो नहीं किया जाता है प्लस और उनको प्रॉपरली भी लागू नहीं किया जा रहा है। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्होंने कोई भी एतराज़ नहीं दिखाया, जिसमें कि कोई भी कारखाना जहाँ पर आबादी हो, ज़्यादा आबादी हो, वहाँ पर ओपन करने की है ना परमिशन नहीं होती है। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिक उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि क्या हो सके, वहाँ पर उन लोगों को रोज़गार मिल सके। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीक या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रिया को अपनाएं, मतलब वो कहते हैं भाई इस तरह की कोई भी तकनीक अपनानी चाहिए थी जिससे किसी को भी कोई नुकसान ना हो। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देती थी, मतलब वहाँ पर जो भी प्रक्रिया वगैरह जो दोषपूर्ण थी उसमें बहुत सारी कमियाँ थी उसको फिर भी है ना उनको परमिशन दी जाती है गलत तार। जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव यानी कि गैस लीक हो रही थी तो सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी क्या चल रही है, गड़बड़ी चल रही है। तब भी निरीक्षकों के कान पर जू तक नहीं रेंगी, कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा की बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, नज़रअंदाज कर रही थी, यह गलत था। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा वाले सख्त कानून और उनसे ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत और बढ़ गई है। भाई वो कहते हैं कि भाई ठीक है जो बाहर से कंपनियां आकर यहाँ पर अपनी भाई भारतीय कंपनियां बाहर से लोग आ रहे हैं, विदेशी व्यवसाय आ रहे हैं और यहाँ पर अपने कारखाने खोल रहे हैं तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए जिससे कि मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके और उनको है ना उनकी भाई सैलरी भी सही मिले। फिर यहाँ पर हाल ही में एक ट्रेवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपये का मुआवजा दे। इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी से वंचित रह गए थे। मतलब भाई उन लोगों को क्यों भाई, वो एक कंपनी थी मतलब वो है ना उनको घुमाने के लिए ले गई थी और उन्हें क्या कहा था कि भाई ना तो उन्होंने उसे डिज्नीलैंड दिखाया और ना ही उन्हें भाई पेरिस में खरीदारी करने दी गई तो उसके बदले में उन्हें क्या करना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों कित को जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों मिला। भाई ठीक है गवर्नमेंट को सबके लिए क्या होना चाहिए, सबका एक समान रूल रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून, 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था
तो और भी कमज़ोर थी। मतलब यहाँ पर कहते हैं 1984 की बात करेंगे, हम प्रिवेंटिव बाई कानूनों की बात करें तो बहुत कम कानून थे, जो कानून थे है ना उनको लागू भी क्या करना था, भाई लागू भी प्रॉपरली नहीं किए जा रहे थे। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज़ माना जाता था, किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। भाई किसी भी व्यक्ति को यह सपोज करो भाई वो हमारे भाई हवा भाई पानी को या हमारे एटमोसफियर क्या कर रहा है पॉल्यूटेड कर रहा है, तो है ना उस समय पर उनकी कोई भी बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं होती थी। चाहे नदियों को हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो, पर्यावरण दूषित हो रहा है और लोगों की सेहत के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फ़ायदा मिला, बल्कि उससे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से बच सकती थी। भोपाल त्रास जी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए, जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। भले क्या हुआ कि जो लोग वहाँ पे वर्क कर रहे थे वो तो इससे प्रभावित हुए, साथ साथ जो लोग इससे जुड़े हुए भी नहीं थे उन लोगों पर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्या पड़ा, वहाँ पे वो जहरीली गैस का बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ा। इससे लोगों को एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमज़ोर हों, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित हैं, उनमें आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण क्या हुए घायल होते हैं। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों क्या हुआ जिम्मेदार माना जाने लगा, और इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है। बस सीधी बात है भाई, अगर हमारा वातावरण अच्छा नहीं होगा, प्रदूषित होगा, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उन लोगों को फ्रेश एयर वगैरह ये सब चीज़ें कैसे मिल पाएगी, तो जाहिर है पर्यावरण पर उन लोगों का भी अधिकार बैठता है। केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता है, भाई खाली हम भाई औद्योगिक विकास को बढ़ोतरी देने के लिए हम अपने पर्यावरण का नुकसान नहीं कर सकते हैं। अदालतों ने स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, और इससे प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रिया तय करें। बस इतनी बात है, जो अगर हमारे भाई पर्यावरण को प्लस हमारे जो नदी वगैरह के पानी वगैरह को प्रदूषित करेगा तो उस पर क्या होगा कि उस पर है ना उसको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। कि यहाँ पर एक पिक्चर शो की गई है, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंड पंपों को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया है, फिर भी स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास साफ पानी का कोई स्रोत नहीं है। कि पता है कि अगर ये पानी का यूज करेंगे तो ये पानी है ना अच्छा सही नहीं है, और उनके स्वास्थ्य को क्या करेगा प्रभावित करेगा, गलत प्रभाव डालेगा। फिर भी वहाँ पर पानी की प्रॉपरली व्यवस्था न होने के कारण लोग बाग उसको क्या करते हैं यूज करते हैं। सतत विकास लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं है ना, मेरी पिक्चर दिखाई गई है ठीक। फिर इसके बाद आता है जन सुविधाओं के रूप में पर्यावरण, तो क्या कहते हैं हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों को रोजी रोटी पर भी उनपे क्या हुआ है भाई बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और उन्हें शहर के बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को क्या कर रहे हैं प्रदूषित कर रहे हैं। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही है क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा है। भाई दिल्ली के कहते हैं कि जहाँ पर जितने लोग रहते हैं ऐसे एरिया में जो वहाँ पे उद्योग वगैरह लगे हुए थे, तो कहते हैं उन्हें यहाँ से हटाकर है ना कहीं शहर के बाहर बसा देना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर जो पानी वगैरह यमुना का पानी वगैरह क्या हो रहा है प्रदूषित हो रहा है उसको है ना रोका जा सके। अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या क्या पैदा हो गई कि कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों को क्या हो गया रोजगार खत्म हो गए। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है, घर ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा भी अभी भी वैसा ही बना हुआ है। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट के लिए
भाई वो कह रहे हैं कि भाई कहते हैं कि भाई ठीक है उन्होंने एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन फिर क्या वहाँ पर जाकर भी समस्या पैदा हो गई कि भारत ने पुराने मुद्दों पर हुए ताज़ा अनुसंधानों से यह बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते हैं। भाई वो कहते हैं कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं ठीक है पर्यावरण की भाई चिंता करी करनी भी चाहिए, लेकिन क्या होता है जो गरीब लोग वगैरह हैं उनकी पीड़ा को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए उनमें से बहुतों को यह है तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाया जाना चाहिए, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि इससे बहुत सारे लोगों की होती रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहां एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में भी लोगों की अपनी चिंता है ना, लोग ज़्यादा चिंता नहीं जता रहे हैं। अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है जिनसे स्वच्छ वातावरण का लाभ क्या सभी को मिले। इसका एक तरीका है कि हम कारखानों में ज़्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रिया को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वे कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे, उसे प्रदूषण फैलाने वालों पर क्या करना चाहिए जुर्माना करना होगा, और इस तरह मजदूरों को रोजगार भी है ना बच जाएंगे और समुदाय व मजदूरों की सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। कि गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई ठीक है पर्यावरण को भाई साफ रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो वहाँ पर वर्क वगैरह कर रहे हैं उन लोगों की भी समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। फिर यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है, गाड़ियों में उत्सर्जित धुआं पर्यावरणीय प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। आपने देखा होगा भाई जैसे लोग व्हीकल वगैरह चलाते हैं उनसे धुआं वगैरह निकलता है, जाहिर है वो धुआं होता है हमारे वातावरण को क्या करता है प्रदूषित करता है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया है कि दिल्ली में डीजल से चलने वाली सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड है ना नेचुरल गैस ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में क्या होगी काफ़ी गिरावट आई है। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफ़ी क्या हो गया बढ़ गया है। ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों कारों के कारण पैदा हो रहे हैं। अब बंद कारखानों के बाहर परेशान मजदूर, भाई सीधी बात है जब कारखाने वगैरह बंद हो जाएंगे तो उससे क्या होगा बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और जाहिर उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से भी छोटे कारखानों में काम मिलता है जहां उनके हालात क्या होते हैं पहले से ज़्यादा और बदतर हो जाते हैं, उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता है और जहां कानूनों की स्थिति और भी ज़्यादा क्या होती है कमज़ोर होती है। मतलब वहां पर यह है कि भाई गवर्नमेंट ने भाई जो कानून वगैरह बनाए गए हैं वो लोग उसको अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं और जाहिर है इसके दुष्प्रभाव किन पर पड़ते हैं मज़दूरों पर पड़ते हैं। फिर यहाँ पर एक पिक्चर शो की गई है, विकसित देश अपने विषैले और ख़तरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं ताकि इन देशों के कमज़ोर कानूनों का फ़ायदा उठाया जा सके और अपने देशों को साफ सुथरा रख सकें। दक्षिण एशियाई देश खासतौर से भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान कीटनाशक और एम वेस्ट टांस बनाने वाले या दस्ते व शीशे की संबंधित है ना संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर आपने यहाँ पर बुला रहे हैं। अब इसमें लास्ट में आता है चैप्टर का कंक्लूजन निष्कर्ष, भाई निष्कर्ष के रूप में वो क्या बता रहे हैं, चाहे बाजार हो दफ्तर हो या कोई कारखाना हो बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून ज़रूरी होते हैं। निजी कंपनियाँ ठेकेदार व्यवसायी और आदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाते हैं। भले वह क्या करते हैं कि वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं गलत तरीक़ों को अपनाते हैं। ठीक उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना कम सैलरी देते हैं और बच्चों से भी क्या करते हैं काम करवाते हैं, काम की स्थितियों का पर ध्यान नहीं देते या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते हैं, इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुँचते हैं। ऐसे में सरकार की अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखे। यानी नए सरकार तो केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको क्या करना चाहिए सही से लागू भी करने चाहिए। अगर कानून कमज़ोर हो और उनको सही ढंग से लागू नहीं किया जाए तो उनको क्या हुआ भारी नुकसान है ना
झेलना पड़ सकता है। जैसे कि हमने देखा था कि भोपाल में गैस त्रासदी है, यह इस बात का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। इस दिशा में सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनी और सरकार दोनों के को समाज के हित में काम करने के लिए क्या करें, बाध्य करें। जैसा कि हमने पहले देखा है कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला है और न्यायालयों ने भी शास्त्रीय पर्यावरण के अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का एक अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि स्वास्थ्य वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मजदूरों अधिकारों हलक के क्षेत्र में भी अभी हालात काफ़ी ख़राब है। लोगों को इस बात के लिए उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाए ताकि सबको क्या मिले, जीवन का अधिकार मिले। ठीक बेटा, आप इस वीडियो को देखें है ना, ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और अपनी बुक में भी एक बार चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे और अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि इसमें बताया गया कि भाई जैसे जो प्राइवेट निजी कंपनियां वगैरह हैं अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो मज़दूर वगैरह हैं उन्हें प्रॉपरली सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, है ना, उनको सही सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इन सब के बारे में भी सोचना चाहिए और कड़े नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है बेटा, चैप्टर को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर।